हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सोल्स ऑफ लाइफ। और आज आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात की बहुत ही फेमस डिश खांडवी, गुजराती खांडवी। बहुत सिंपल डिश है, देखने में जितनी सुंदर दिखती है खाने में उतनी ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। आप ब्रेकफास्ट या एक स्नैक आइटम में कभी भी इसे बनाकर आप खा सकते हैं और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो खांडवी बनाने के लिए मैंने देखिए एक बोल में लिया है एक कप बेसन और उसी कप के मेजरमेंट से मैंने लिया है एक कप दही, नॉर्मल दही लिया है, बहुत खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने ऐड किया है दो कप पानी, तो कप वही है हमारा और उसी के कप के मेजरमेंट से मैंने इसमें ऐड कर दिया है दो कप पानी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक। इसमें आधी टीस्पून हमने इसमें डाला है हल्दी और मैंने एक टेबलस्पून के लगभग इसमें डाला है अच्छे से अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इससे जो खांडवी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक विस्कर से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो और फिर इसे एक दूसरे बर्तन में छन्नी से हम अच्छे से छान लेंगे ताकि अगर कोई भी लम्स इसमें रह भी गया हो तो वो बिल्कुल हट जाए। तो इस तरीके से हम इसे छान लेते हैं। देखिए साथ ही साथ मैंने इसी तरह से तीन से चार स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट्स हैं, थोड़ी बड़ी प्लेट्स, उनमें ग्रीसिंग करके रखा है, थोड़ा सा तेल लगा के रखा है इसमें इस तरीके से। तो बस अब देखिए जो हमने खोल को छाना है उसको मैंने कढ़ाई में डाला है, गैस ऑन किया है और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते चलाएंगे। और देखिए इतनी थिक कंसिस्टेंसी साइड से इसने कढ़ाई छोड़ दी है इस घोल ने और बिल्कुल देखिए इतनी थिक हो गई है कि स्पैचुला से बिल्कुल चिपक रही है। और इसे अब तुरंत प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से तुरंत, इसमें हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तुरंत इसे बिल्कुल जितना पतला आप स्प्रेड कर सकते हैं आप उतना पतला सारी प्लेट्स में स्प्रेड कर लेंगे और इसे साइड रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद देखिए इस तरीके से मैंने लंबे लंबे इसमें काटे हैं और अब इसे धीरे धीरे हम खांडवी का शेप देके ऐसे रोल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो रोल है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगर आपको थोड़े छोटे या पतले रोल चाहिए तो देखिए मैं इस तरीके से बीच में इसे फिर से आधा और काट लेती हूँ ताकि जो रोल्स हैं थोड़े और छोटे और पतले बने। तो इस तरीके से हम फिर से रोल्स बना लेंगे। और देखिए इस तरीके से सारे खांडवी तैयार कर लेते हैं और अब तैयार करते हैं छौंक की। तो मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी और उसमें मैंने डाला है थोड़ा तेल, थोड़ी सी राई, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ते या करी लीव्स और इन सब को अच्छे से मिक्स करके जो हमारी खांडवी तैयार है उसमें ऊपर से हम डाल देंगे ये छौंक जो हमने तैयार किया है। मेरे पास यहाँ नारियल नहीं था, नहीं तो नारियल भी जो है आप थोड़ा अच्छे से ग्रेट करके इस पर नारियल से भी गार्निश करेंगे तो खांडवी का लुक एंड टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोस आप तुरंत वॉच कर सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।